नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद और आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। मेरठ शहर का सबसे हाई प्रोफाइल केस पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के बेटे पर लगा दुष्कर्म का आरोप है। दानिश अखलाक पर दिल्ली की एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। रात्रि में पुलिस ने दानिश अखलाक को गिरफ्तार कर लिया था। आज दानिश अखलाक को पुलिस ले जाकर के जिला अस्पताल में उसका मेडिकल चेकअप कराई है। मेडिकल चेकअप कराने के बाद दानिश अखलाक वापस परतापुर थाने पहुंच गया। परतापुर थाने में ही दानिश अखलाक के ऊपर धारा 376 के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। अब पुलिस परतापुर थाने ले जाकर के कानूनी कार्यवाही, कानूनी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने में मशगूल है। फिलहाल यह बताया जा रहा है कि पुलिस कभी भी CGM कोर्ट में दानिश को पेश कर सकती है। इसके अलावा आज इस पूरे मामले पर SP City ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों को जानकारी देते हुए SP City ने बताया कि दानिश अखलाक के ऊपर एक दिल्ली की युवती ने 376 के तहत आरोप लगाया है कि दुष्कर्म का आरोप लगाया है। SP City का कहना, जांच की जाएगी। इसके अलावा SP City ने होटल क्रोम, जहां पे ये घटना हुई है, होटल क्रोम की भी बारीकी से जांच करने की बात कही है और उसकी पूरी तरह से CCTV फुटेज और भी जो हो सकता है उनसे पूछताछ भी की जाएगी और उस मामले को लेकर के पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। SP City साहब, जो लड़की SSP ऑफिस पहुंची थी, उसने किसके ऊपर आरोप लगाया है और क्या कार्रवाई हुई? SSP ऑफिस में एक लड़की ने आके एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें उसके द्वारा यह अंकित किया गया था कि उसके इंस्टाग्राम पे एक लड़के से दोस्ती हुई, उसके बाद नंबर का एक्सचेंज हुए और उसके बाद उस लड़के ने उसको शादी का झांसा देकर परतापुर बाईपास पर स्थित एक होटल में बुलाया जहां उसके साथ रिलेशनशिप बनाया। इसके बाद लड़की की जानकारी माता है, वो पहले से शादीशुदा है। इस प्रकार उसने इस तरह के एलिगेशन लगाए कि इसके द्वारा अपने को सिंगल होने का झांसा देकर, झूठ बोलकर, शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ संबंध बनाएगा। इस प्रार्थना पत्र में जो नंबर अंकित किया गया था उसकी ID किसी और लड़के के नाम से थी, इसलिए SSP सर के द्वारा इस प्रार्थना पत्र की जांच साइबर सेल को दी गई। साइबर सेल के द्वारा पूरे इंस्टाग्राम की डिटेल, मोबाइल नंबर्स की डिटेल, लोकेशन आदि के आधार पर जब इस फैक्ट को प्रूफ कर दिया गया कि आरोपी का नाम दानिश है, इसके तत्काल बाद थाना परतापुर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीड़िता का बयान 161 CRPC के अंतर्गत कराया जा चुका है। मेडिकल की कार्यवाही चल रही है। आरोपी युवक को गिरफ्तार किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्यवाही निर्धारित SOP के अनुसार प्रचलित है। इसकी प्रोफाइल क्या है, ये बताया जा रहा है? इस लड़के का नाम दानिश अखलाक है और ये थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गुदरी बाजार का रहने वाला है। लड़की का बयान 161 और 164 CRPC का, ये गोपनीय दस्तावेज होते हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं। सर, ये लड़का जो है ये पूर्व सांसद का बेटा है। दानिश अखलाक के पिता का नाम शाहिद अखलाक है। अच्छा, कुछ फोटो भी वायरल हो रहे हैं इसके साथ में। एक सवाल ये है कि जो होटल क्रोम है, होटल क्रोम की जो उस घटना वाले दिन की CCTV फुटेज डिलीट है, उसकी ID नहीं ली गई है, तो क्या होटल पर भी कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई की जब आएगा होटल, इन्वेस्टिगेशन के जो पॉइंट्स हैं, होटल में CCTV फुटेज है नहीं है, डिलीट की गई है या रहती ही नहीं है, ये सारे पॉइंट इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं जिसको हम इन ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपने इन्वेस्टिगेशन और केस डायरी में एकोमोडेट करेंगे। इस स्टेज पे मीडिया के सामने हम इसको अभी डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे और चूंकि प्रकरण एक लड़की से संबंधित है इसलिए बहुत सारी चीज़ों को हम आपके साथ इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड इशूज को शेयर भी नहीं करेंगे। सर, कुछ फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनका उन पर क्या कहना है आपका? किस प्रकरण से संबंधित? सर, इसी प्रकरण में कुछ वीडियो फोटो भी वायरल हुए हैं लड़की के साथ। मैंने कहा ना, बाकी सारी चीजें वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अच्छा सर, एक शाहिद अखलाक के दूसरे बेटे की जो एक वीडियो है वो भी सोशल मीडिया, देखिए मल्टीपल इंसिडेंट को एक साथ एक केस में न जोड़ा जाए। दूसरा वीडियो मैंने अभी देखा नहीं है, अगर ऐसी चीज आएगी तो ड्यू प्रोसेस के अनुसार जो है कार्यवाही की जाएगी। थैंक यू।